शुक्रवार को बाजार मामूली नुकसान के साथ बंद हुआ। पीएसयू बैंकों और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के शेयरों में तेजी आई। दूसरी ओर मीडिया, फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर शेयरों में बिकवाली का दबाव देखा गया। रुपया पिछले बंद भाव 82.71 डॉलर के मुकाबले 82.85 डॉलर प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अडानी पोर्ट्स ने एक ऑडिटर के रूप में डेलॉयट के इस्तीफे की पुष्टि की और एमएसके एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी का ऑडिटर नियुक्त किया, जो एक टॉप 6 ग्लोबल ऑडिट फर्म है। ल्यूपिन, यूएस एफडीए ने भारत के मंडीदीप में ल्यूपिन की यूनिट 2 एमएफजी सुविधा को मंजूरी दी। यूएस एफडीए ने बिना किसी अवलोकन के मंडीदीप यूनिट 2 का जीएमपी निरीक्षण पूरा किया। गोदरेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ने वेगोइल्स डिवीजन के पिछले 15 वर्षों के संचालन के बड़े हिस्से के लगातार नुकसान को देखते हुए इसके संचालन को बंद करने का फैसला किया है। HCL टेक्नोलॉजीज ने प्रबंधित नेटवर्क सेवाओं के लिए वेरिजोन बिजनेस के साथ 2.1 अरब डॉलर के मेगा टेक्नोलॉजी सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। TVS मोटर कंपनी ने TVS रेडर सुपर स्क्वाड एडिशन लॉन्च किया है। टेगा इंडस्ट्रीज की विदेशी सहायक कंपनी ने यूरोप की सबसे बड़ी तांबे की खदान के साथ 685.2 करोड़ रुपए का समझौता किया है। दीपक नाइट्राइट ने ओमान सल्तनत में निगमित एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी दीपक ओमान इंडस्ट्रीज FJC में लगभग 20 लाख डॉलर का निवेश किया है। उनोमिंडा आर्म उनोमिंडा बुहलर मोटर ने हरियाणा के बावल में ईवी सिस्टम प्लांट शुरू किया। एबीबी इंडिया के बोर्ड ने प्रति इक्विटी शेयर 5.5 रुपए के स्पेशल डिविडेंड की सिफारिश की। कजारिया सिरामिक्स ने सिकंदराबाद में विस्तारित क्षमता का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। सियाराम सिल्क मिल्स 16.61 लाख इक्विटी शेयरों की 650 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर 107.99 करोड़ रुपए की बाई बैक करेगी। कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल के बोर्ड ने 300 करोड़ रुपए तक की NCD जारी करने की मंजूरी दी है। सूर्य रोशनी बोर्ड ने कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपए के मौजूदा एक इक्विटी शेयर को रिकॉर्ड तिथि पर 5 रुपए के फेस वैल्यू के 2 इक्विटी शेयरों में विभाजित करने की मंजूरी दी है। जुबिलेंट इंग्रेविया धन जुटाने पर विचार करने के लिए 18 अगस्त 2023 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक बैठक आयोजित करेंगे। पेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ने 75 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के पहले अंतरिम डिविडेंड की सिफारिश की। सन टीवी नेटवर्क बोर्ड ने प्रति इक्विटी शेयर 6.25 रुपए के अंतरिम डिविडेंड की सिफारिश की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 12 अगस्त 2023 से लेंडिंग रेट्स में 5 BPS की वृद्धि की। तिलकनगर इंडस्ट्रीज ने एडलवाइस ARC को 176.2 करोड़ रुपए के पुनर्गठित ऋण का पूर्व भुगतान किया। पूर्व भुगतान को कोटक महिंद्रा बैंक और कंपनी के आंतरिक स्रोतों से 130 करोड़ रुपए के ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। इंडस टावर्स ने अब तक भारत के सभी 22 दूरसंचार सर्किलों में फैले 200,000 मैक्रो टावरों का लक्ष्य हासिल किया है। IDBI बैंक की दीर्घकालिक रेटिंग को ICRA ने अपनी अल्पकालिक जारीकर्ता रेटिंग ICRA A+ की पुष्टि करते हुए ICRA A+ से ICRA A में अपग्रेड किया है और आउटलुक को सकारात्मक से स्थिर किया है। ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी ने 230 करोड़ रुपए के राइट्स इश्यू की शर्तों को मंजूरी दी है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के बोर्ड ने 1:4 के बोनस इश्यू को मंजूरी दी। NLC इंडिया कोयला मंत्रालय द्वारा 1 अगस्त 2023 को वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक ई नीलामी के तहत उत्तर ढाडू पश्चिमी भाग कोयला खदान के लिए सफल बोलीदाता के रूप में उभरा है। गुफिक बायोसाइंसेज ने कंपनी की सहायक कंपनी के रूप में भारत में निगमित की जाने वाली एक निजी लिमिटेड कंपनी की सिक्योरिटीज की सब्सक्रिप्शन के माध्यम से निवेश को मंजूरी दी है। कॉफी डे का कहना है कि NCLAT ने दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के NCLT के आदेश पर रोक लगा दी है। IRB गोलकोंडा एक्सप्रेसवे ने नेहरू आउटर रिंग रोड TOT परियोजना के लिए टोल कलेक्शन शुरू कर दिया है। मणप्पुरम फाइनेंस ने 80 पैसे प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम डिविडेंड की सिफारिश की। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर धारकों के खाते में जमा हो गए हैं और कंपनी की लिस्टिंग होने की मंजूरी मिलने तक डीमैट खाते में फ्रीज रहेंगे। श्री रेणुका शुगर्स के बोर्ड ने कंपनी की सहायक कंपनी गोकाक शुगर्स के कंपनी के साथ मर्जिंग को मंजूरी दे दी है। KRBL के बोर्ड ने प्रति इक्विटी शेयर 1 रुपए के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब 10 शेयर्स।